फ्रीलांसिंग में जितने भी न्यू लोग आते हैं उनका मेन कंसर्न ये होता है कि हमें पेमेंट किस तरह से मिलेगी, या अगर हम लोग कोई भी पेमेंट गेटवे या कोई भी सिस्टम यहाँ पे साइन अप करते हैं तो वहाँ पे फ्रॉड के चांसेस तो नहीं होंगे, क्योंकि स्टार्टिंग पे जब भी बंदा कर रहा होता है तो मोस्टली आपको ये होता है कि हम लोगों ने इतनी मेहनत करनी है और क्या हमें इस चीज़ का रिवार्ड एग्जैक्टली हमारे बैंक अकाउंट में मिल सकता है, या फिर इसमें कोई किसी किस्म के फ्रॉड सीन तो नहीं होगा। तो ये बहुत ज़्यादा जनरल और वैलिड क्वेश्चन है, क्योंकि डेफिनेटली इसमें सारे लोग अर्निंग करने के लिए ही फ्रीलांसिंग वाली साइट पे आते हैं, और आप लोगों का ये जो क्वेश्चन है ये बिल्कुल वैलिड है। लेकिन ये है कि आपको कुछ पेमेंट गेटवेज जैसे जो कि पाकिस्तान में ऑपरेट नहीं कर रहे होते, तो आप लोगों ने बहुत ज़्यादा कुछ नेगेटिव बातें सुनी होती हैं लोगों से कि आपको हर दफ़ा बैंक जाना पड़ेगा जब भी आपने अपनी पेमेंट रिसीव करनी है, कुछ वेस्टर्न यूनियन टाइप का उसमें क्वेश्चन आ जाते हैं। लेकिन फाइवर पे फाइवर अपवर्क या फ्रीलांसर और अपवर्क से तो खैर डायरेक्टली बैंक अकाउंट में पेमेंट आ जाती है, लेकिन फाइवर से डायरेक्टली बैंक अकाउंट में नहीं आती, उसमें हमें पेयोनीर यूज़ करना पड़ता है। तो पेयोनीर एक बहुत अच्छा सिस्टम है जिसमें थोड़ी सी उनकी सर्विस फ़ीस भी होती है, पहले तो नहीं थी इनकी किसी भी किस्म की कोई सर्विस फ़ीस, लेकिन आजकल इन्होंने रखी हुई है। तो खैर ये भी उनका एक समझ आता है, क्योंकि उन लोगों ने जब ट्रांजैक्शंस करनी है तो अपने ऑफिशियल्स को उन लोगों ने पेमेंट करनी होती है, सैलरीज वगैरह देनी होती हैं, तो थोड़ी सी आई थिंक इनके $3 पर ट्रांजैक्शन जो है वो अमाउंट डिडक्ट होती है। तो आप लोगों ने बड़े सोच समझ के फिर अपने पैसे विदड्रॉ करवाने, ये ना हो कि $20 आपके जैसे ही पूरे हो गए और आप फौरी तौर पर कहें कि मैं जी $20 विदड्रॉ करवा लूँ, तो उसमें से 3 आपके सर्विस चार्जेस में कट जाएंगे। तो जब आपके ज़्यादा पैसे हो जाएँ $150, $200, $500 या जितने भी करके आप निकलवाना चाहते हैं, तो वो फिर आप बाद में उसमें कंसिडर कर सकते हैं। तो ओवरऑल मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि एक बहुत ज़्यादा सेफ़ और इफ़ेक्टिव मेथड है, और इसमें किसी भी किस्म के कोई फ्रॉड के चांसेस नहीं है। आप लोग अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स अगर इसके साथ अटैच करते हैं, अपने CNIC, अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन सारी ऐड करते हैं, तो आपकी टोटली सेफ है और उसमें किसी भी किस्म के फ्रॉड के चांसेस नहीं हैं। तो देखते हैं जी कि पेयोनीर के क्या क्या बेनिफिट्स हैं। सबसे पहले ये कि ये सेफ़ और सिक्योर है, इसमें किसी किस्म का कोई फ्रॉड नहीं है। तो आपने अपनी इन्फॉर्मेशन वगैरह ऐड करते हुए बिल्कुल नहीं सोचना कि क्या यहाँ पे फ्रॉड के चांसेस ज़्यादा तो नहीं है, बिल्कुल ये सेफ़ है और आप लोग अपनी सारी इन्फॉर्मेशन इसमें ऐड कर सकते हैं। इंटरनेशनल पेमेंट्स के लिए ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, मैंने अपने कुछ क्लाइंट्स के साथ डायरेक्ट पेमेंट वाले सिनेरियोस भी डील किए हुए हैं, तो मोस्टली 24 आवर्स के अंदर अंदर आपकी जो पेमेंट है वो आपके बैंक अकाउंट में आ जाती है। आपको किसी भी किस्म के बैंक में फिज़िकली जाने की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि आप अपने लैपटॉप पे ही सारा कुछ डील कर सकते हैं। और इसकी ग्लोबल एक्सेस है कि आप किसी भी कंट्री से पेमेंट ले सकते हैं, इसमें किसी किस्म का कोई चांस नहीं है कि आप ये इस रीजन में ऑपरेट नहीं करता, बल्कि जितनी भी ये हमारी लीडिंग इसमें करेंसीज आ जाती हैं, यूरोज़ हैं या फिर US डॉलर्स हैं, कैनेडियन डॉलर्स हैं, ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स हैं, तो ये डिफरेंट करेंसीज़ का इसमें एक सेपरेट ऑप्शन भी बना हुआ है। और अगर आप चाहें तो आप अपने क्लाइंट से रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं कि मुझे इस स्पेसिफिक कंट्री की जो करेंसी है वो चाहिए, तो वो उसमें कन्वर्जन भी हो जाती है। फ़ीस इसकी बहुत ज़्यादा लो है, पहले तो बिल्कुल भी कोई फ़ीस नहीं थी, लेकिन आजकल इन लोगों ने $3 पर ट्रांजैक्शन रखी हुई है। ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, आप कल को फ्रीलांसिंग के अलावा वैसे अपना कोई बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं जिसमें आपने इंटरनेशनल लेवल पर डिलीवरीज करनी है, तो आप पेमेंट रिसीव करने के लिए और पेमेंट भेजने के लिए दोनों पर्पज़ के लिए इस प्लेटफॉर्म को बड़ी आसानी से यूज़ कर सकते हैं। और इसमें आपकी डायरेक्टली ट्रांजेक्शन आ जाती हैं कि जैसे ही आपने अपने फाइवर से या किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से पेयोनीर में पैसे ट्रांसफ़र कर लिए हैं, तो उन डॉलर्स को फिर आप बाद में अपने बैंक अकाउंट में डायरेक्टली, बस आपने अपना एक पासवर्ड एंटर करना है, अपनी कमांड देनी है कि आपको कितने पैसे चाहिए, कितने आप विदड्रॉ करवाना चाहते हैं, तो आपने अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स वहाँ पे ऐड की हुई होंगी, तो वो डायरेक्टली आपके अकाउंट पे पैसे आ जाते हैं। मोस्टली एक दिन का या दो दिन का टाइम लगता है, कुछ न्यू कमर्स के लिए एक वीक का भी लग जाता है, क्योंकि समटाइम्स इसमें सिस्टम इश्यूज़ आ जाते हैं, लेकिन अगर आपने रेगुलरली पहले कुछ विदड्रॉल्स वगैरह करवाई हुई हैं तो बाद में ये तकरीबन 5 मिनट्स या फिर मैक्सिमम 30 मिनट्स और 1 घंटे के अंदर अंदर भी पैसे रिसीव हो जाते हैं। रेगुलेशन और लाइसेंसिंग है इसकी गवर्नमेंट रेगुलेटर्स अथॉरिटीज़ से, और बहुत सारे कंट्रीज ऐसे हैं जिसमें इसकी प्रॉपर रेगुलेशन है और इसमें किसी भी किस्म के कोई फ्रॉड के चांसेस या कोई इस तरह के सिनेरियो नहीं होता।
अब नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है जी कि पेयोनीर कौन बंदा यूज़ कर सकता है। मोस्ट प्रोबेबली हम लोग तो फ्रीलांसिंग के लिए ही इसको यूज़ करते हैं, और समटाइम्स जैसे पाकिस्तानी लोग या फिर इंडियन या बल्कि कोई भी होता है, क्योंकि फ्रीलांसिंग के जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं वो आपसे 20% चार्जेस कट करते हैं। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि इससे बचने के लिए डायरेक्टली क्लाइंट से बाहर बाहर डील करते हैं, तो आप पेयोनीर में डायरेक्टली पेमेंट रिक्वेस्ट वगैरह भेज सकते हैं। फ्रीलांसर्स के अलावा इसमें बल्कि बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स हैं जिन पर ये पेयोनीर प्रॉपर सपोर्ट करता है इंटरनेशनल पेमेंट्स के लिए। उसमें डिफरेंट एजेंसीज़ आ सकती हैं, किसी भी किस्म के सर्विस प्रोवाइडर्स आ सकते हैं, ई कॉमर्स सेलर्स, स्मॉल बिजनेस इंडस्ट्रीज, डिजिटल मार्केटर्स, इन्वेस्टर्स, स्टूडेंट्स फॉर ऑनलाइन पेमेंट्स के, अगर आपने किसी भी यूनिवर्सिटी वगैरह में अप्लाई किया हुआ है और आप वहाँ पे एप्लीकेशन फ़ीस देना चाहते हैं, या फिर आपकी वीज़ा प्रोसेस के लिए किसी भी पर्पस के लिए अगर आप कोई फ़ीस पे करना चाहते हैं, तो आप पेयोनीर यूज़ करते हुए डायरेक्टली उसको पे कर सकते हैं। अब आ जाते हैं जी इसके सिस्टम की तरफ कि ये किस तरह से काम करता है। आपने गूगल पे जाके पेयोनीर लिखना है तो ये इस तरह की आपके सामने एक विंडो ओपन हो जाएगी, और अभी आपका क्योंकि अकाउंट नहीं बना हुआ तो आप इसको गेट स्टार्टेड के ऊपर जाएंगे। गेट स्टार्टेड में जब आप जाएंगे तो आपके पास आगे ऑप्शन आएंगे कि आप क्यों यूज़ करना चाहते हैं। तो अगर आप फ्रीलांसर हैं या आप ऑनलाइन काम करते हैं तो आप ये वाली कैटेगरी चूज़ कर लें, या अगर आप आईटी कंसल्टिंग होलसेल ट्रेडर्स में आते हैं या फिर ई कॉमर्स सेलर्स हैं या किसी भी किस्म का आपको कोई और बिजनेस है तो आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। अब उसमें वो नेक्स्ट स्टेप में आपसे पूछेंगे कि आपकी टोटल मंथली इनकम कितनी है या आपकी टोटल एनुअल इनकम वगैरह कितनी है। तो आप जब गेटिंग स्टार्टेड 0 US डॉलर्स, आई एम जस्ट गेटिंग स्टार्टेड यहाँ पे भी कर सकते हैं, या फिर आप अगर ऑलरेडी अर्न कर रहे हैं तो 4,999 US डॉलर्स तक जो है वो आप इसको सेलेक्ट कर लें, या अगर आपकी इनकम इससे भी ज़्यादा है तो आपने ऑनेस्ट रहना है, आपने यहाँ पे किसी भी किस्म का कोई झूठ नहीं बोलना। तो जितनी आपकी इनकम है आपने वो वाला सेक्शन जाके उसको क्लिक कर लेना है। उसके बाद ही आपके पास ऑप्शन आएगा यहाँ पे रजिस्टर करने का, तो रजिस्टर करने पे क्लिक करेंगे आप। नेक्स्ट आपके पास आ जाएंगी डिटेल्स, पूछेंगे आपसे कि आप इंडिविजुअल हैं, अकेले काम करते हैं, या आपकी कोई प्रॉपर कंपनी है। तो अगर तो आप कंपनी की बेस पर की काम कर रहे हैं तो आप उसकी डिटेल्स एंटर कर सकते हैं, लेकिन अगर आप अकेले हैं तो आप अपना इंडिविजुअल वाला सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको ये बता रही हूँ कि आपने यहाँ पे ऑनेस्टली सारी डिटेल्स फिल करनी है, किसी भी चीज़ को आपने इधर उधर नहीं करना, क्योंकि ये फिर आपके सर्विसेज को बाद में लाइफ टाइम के लिए करेंगे, और प्रेफरेंस आप यही करेंगे आपको दोबारा कोई अकाउंट ना बनाना पड़े, क्योंकि उसमें फिर काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ आ जाते हैं। तो आपने एक ही अकाउंट बनाना है और अपनी सारी की सारी डिटेल्स वहाँ पे ऑनेस्टली ऐड करनी है, ठीक है जी। अब उसके बाद वो आपसे इंग्लिश कैरेक्टर्स में कुछ ये इन्फॉर्मेशन वगैरह फिल करने के लिए कहेंगे, तो आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस, उसके बाद आपसे री एंटर करवाएंगे ईमेल एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ आपकी, और ये जो नीचे एक वेरीफिकेशन के लिए कोड दिया हुआ है आपने वो करना है एंटर। तो उसके बाद फिर आप नेक्स्ट पे जाके इसको प्रोसीड करेंगे। नेक्स्ट पे जाएंगे तो आपसे ये आपके कंट्री की डिटेल्स मांगेंगे कि आप कहाँ पे रहते हैं, आपका एड्रेस आपने वहाँ पे लिखना होगा लाजमी, आपकी सिटी की डिटेल्स, आपकी पोस्टल आईडी, जिप कोड, मोबाइल नंबर, आपका मोबाइल नंबर आपने अपना वही देना है जो कि आपका एक्टिव हो, क्योंकि ये पेयोनीर आपको मैसेजेस भेजता है। जैसे बाकी कुछ अगर आप लोग बैंकिंग ऐप वगैरह यूज़ कर रहे होते हैं तो आपको एक मैसेज भेजते हैं, प्रॉपर्टीज में भी इस तरह से कोड्स आते हैं। समटाइम्स अगर आपने लॉगिन करने के लिए कोई अपनी प्राइवेसी या सिक्योरिटी वगैरह लगानी है तो उसके लिए भी जितनी दफ़ा आपने स्क्रीन से जाके लॉगिन करना है उतनी दफ़ा आपको ये मैसेज में एक कोड भेजेगा, तो आपने वो कोड एंटर करना है फिर आप साइन इन कर सकेंगे। और बाकी फर्दर अगर आपने ट्रांजेक्शन वगैरह पे भी इस तरह से कोई सिक्योरिटी वगैरह लगानी है तो आप वो भी लगा सकते हैं। तो आपने यहाँ पे वेरिफिकेशन कोड, एक तो अभी भी आएगा आपको वेरिफिकेशन कोड, और दूसरा बाद में आपने जितनी दफ़ा ट्रांजेक्शन्स परफॉर्म करनी है उतनी दफ़ा ये आपको कोड भेजेंगे। तो आपने अपना वो फ़ोन नंबर ऐड करना है जो आपके पर्सनल यूज़ में है और आपके पास हर टाइम अवेलेबल होता है। उसके बाद आएंगे जी नेक्स्ट, पासवर्ड आपने अपना एंटर करना है, री एंटर करवाएंगे आपसे पासवर्ड। जैसे मोस्टली कोई भी अगर आप प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं आपने साइन अप करना होता है तो पासवर्ड और ईमेल वगैरह री एंटर करवाते हैं ताकि उसमें किसी किस्म के एरर के चांसेस ना हो। उसके बाद जी आपसे वो कुछ एक सिक्योरिटी क्वेश्चन वगैरह पूछ सकते हैं, तो वो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन हैं, आपने उसमें से किसी को भी सिलेक्ट कर लेना है।
क्वेश्चंस वगैरह जब आप सेलेक्ट कर लेंगे तो फिर आपसे आपकी कंट्री की आईडी मांगेंगे, आपने अपना CNIC नंबर या फिर अपना पासपोर्ट नंबर वगैरह ऐड करना होता है। उसके बाद ही नेक्स्ट स्टेप आ जाता है कि आपने अपना नेम लोकल लैंग्वेज में लिखना है। लोकल लैंग्वेज, अच्छा ये एक ऐसा पॉइंट है जिस पे मैंने बहुत सारे लोगों को गाइड किया या फिर जनरल मेरा उनके साथ इंटरेक्शन हो रहा था, तो वो मुझसे कॉल करके या मैसेज करके प्रॉपर पूछ रहे होते हैं क्या मैं यहाँ पे उर्दू में लिखूँ। तो डेफिनेटली बात है, जो आपकी लोकल लैंग्वेज है आपने उसमें अपना नेम लिखना है। अगर आपको उर्दू में टाइपिंग नहीं आ रही, आप नहीं करना चाह रहे, तो आप अपने नेम को सिंपली जाके गूगल पे लिख लें तो आपको उर्दू में ट्रांसलेट कर देगा, या आपकी जो भी लोकल लैंग्वेज है उसमें ट्रांसलेट कर देगा, तो आप उसको कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दोनों आपने इस तरह से करने हैं। उसके बाद अपना कोड एंटर करेंगे, और कोड एंटर करने के बाद आप इसको नेक्स्ट प्रेस करेंगे। नेक्स्ट प्रेस करने के बाद जी आपने अपने यहाँ पे बैंक अकाउंट की डिटेल्स ऐड करनी है। इसमें भी बहुत सारे लोगों को इश्यूज आते हैं कि क्या हमारे जो पहले सेविंग्स हैं पड़ी हुई अकाउंट में वो कहीं वेस्ट तो नहीं हो जाएंगी, या उसको कोई बंदा हैकिंग वगैरह वाली साइट पे तो नहीं जा सकता। तो इसमें इस तरह का कोई इशू नहीं आता, ये टोटली सेफ एंड सिक्योर ट्रांजेक्शन प्लेटफॉर्म है। तो इसमें आपने अपनी सारी डिटेल्स ऑनेस्टली ऐड करनी है, ठीक है जी। बैंक का आप कंट्री ऐड करेंगे। अब इसमें आपने पर्सनल अकाउंट या बिजनेस अकाउंट, अगर आप पर्सनल वाला अपनी प्रीवियस डिटेल्स सारी पर्सनल या इंडिविजुअल दे रहे हैं, तो यहाँ पे भी आपने पर्सनल अकाउंट देना है। अगर आपने प्रीवियसली बिजनेस वाली डिटेल्स ऐड की थी तो यहाँ पे आप बिजनेस अकाउंट भी ऐड कर सकते हैं। अपना कंट्री के बारे में इन्फॉर्मेशन देंगे, आपकी जो करेंसी है उसकी इन्फॉर्मेशन देंगे। बैंक अकाउंट के रजिस्ट्रेशन गाइड के लिहाज से आपसे बैंक का नेम पूछा जाएगा, आपका अपना नाम पूछा जाएगा, IBAN नंबर आपने जनरेट करना है। मोस्टली ऑनलाइन भी ये जनरेट हो जाता है, और जो आपकी चेकबुक है उसके फ्रंट पेज पे भी लिखा हुआ होता है ये। उसके बाद जी आपने आई एग्री टू द टर्म्स एंड कंडीशंस, प्राइसिंग एंड फीस। प्राइसिंग एंड फीस वाला ये खैर अब इन लोगों ने न्यू फैक्टर ऐड किया, तो आपने दोनों को डन कर देना है। क्लिक करेंगे तो सबमिट हो जाएगा। सबमिट होने के बाद जी इसमें आपको वो कह देंगे कि आपका अकाउंट सबमिट हो गया, लेकिन ये है कि वो उनकी टीम में से कोई बंदा रिव्यू करेगा। रिव्यू करने के बाद वो देखेंगे कि आपकी सारी डिटेल्स एक्चुअल और वैलिड हैं या नहीं है। अगर आपके इस अकाउंट में किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपने सारी डिटेल्स ऑनेस्टली ऐड की हुई हैं, तो डेफिनेटली बात है कि आपका पेयर का अकाउंट कुछ दिनों के अंदर अंदर अप्रूव हो जाएगा। समटाइम्स ऐसे भी होता है कि आपका ये अकाउंट एक ही दिन में अप्रूव हो जाए, और समटाइम्स इसमें महीना भी लग जाता है। तो ये इस तरह से आप ये देख लें कि उनके सिस्टम एरर भी समटाइम्स आ जाता है, और मोस्टली ये भी होता है कि बहुत सारे लोगों ने अप्लाई किया हुआ होता है, तो उनकी टीम को डेफिनेटली थोड़ा सा टाइम लग जाता है। जब आपका अकाउंट रिव्यू होने के बाद एक्सेप्ट हो जाएगा, तो उसके बाद आप अपनी पेमेंट्स रिसीव भी कर सकते हैं, और आप पेमेंट्स किसी और कंट्री में भेज भी सकते हैं। तो ये था ओवरऑल इसका। फिर आपको एक वेरिफिकेशन की ईमेल आ जाएगी, जैसे आपने किसी भी प्लेटफॉर्म वगैरह पे जब साइन अप करना होता है तो आपको एक ईमेल आती है, और उसमें एक लिंक दिया जाता है कि आप इस लिंक को क्लिक करेंगे तो आपकी वेरिफिकेशन हो जाएगी, या वेरीफाई माई ईमेल का एक आपको ये जो इस तरह से कलर में शो हो रहा है, तो आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी ईमेल की वेरिफिकेशन हो जाएगी। और उसके बाद जी आपने ये इस तरह से आपके सामने एक न्यू विंडो ओपन हो जाएगा। आपकी आपने जो भी अपनी ईमेल आईडी और जो अपना पासवर्ड वगैरह यहाँ पे ऐड किया हुआ था, तो वो आपके सामने आ जाएगा, और आप उसको साइन इन कर सकते हैं फर्दर ट्रांजेक्शन के लिए। तो ये ओवरऑल सिंपल सी एक गाइड थी कि आपने पियोनीर को किस तरह से यूज़ करना है, और पियोनीर के लिहाज से क्या क्या बेनिफिट्स हैं, या फिर इसका साइनअप करने का क्या प्रोसेस है, और उसमें कितना टाइम लग सकता है। अगर इस अगर आपको किसी भी चीज़ की कोई समझ नहीं आई, आपका कोई क्वेश्चन है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। साइनिंग ऑफ, तबिंदाथिर।